मसालेदार, जालीदार और हर एक बाइट की एक अलग कहानी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रसोई में इस खास लादी पाव की खुशबू भरने के लिए? आइए आज हम साथ में मिलकर खोलें इस खास रेसिपी का राज। बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा, ऐसा लगेगा आप बाज़ार से खरीद के लाए हैं। इतना सॉफ्ट, जालीदार बनेगा, पिलो के जैसा बनेगा। और चलिए अब देर नहीं करते हैं, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले ईस्ट को ब्लूम करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाउल में ईस्ट ले लेंगे, शुगर ऐड करेंगे और लूक वार्म दूध डालेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं और उसको हम रेस्ट होने देंगे मिक्स करके 15 मिनट के लिए। आज मैं डो को ब्लेंडर की मदद से नीट कर रही हूँ। आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने फिर क्या करना है, दूसरे बाउल में मैदा लेना है और थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद हमारा जो ईस्ट ब्लूम हो गया था उसको हम ऐड करेंगे और फिर हम डो को नीट करेंगे। जितना पानी लगेगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। आपका जो डो है वो थोड़ा सा स्टिकी बनेगा, पर इसकी प्रोसेस यही है। थोड़ा सा नीट करने के बाद ब्लेंडर की सहायता से, उसके बाद मैंने हाथ से नीट किया और फिर हमने उसमें थोड़ा सा बटर डाल के उसको अच्छे से और 5 मिनट के लिए नीट करना है। फिर आपको यहाँ पे एक बाउल लेना है जिसमें आपको ऑयल लगा देना है और डो को अच्छी तरीके से राउंड शेप में डाल के उसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है। कम से कम आपको 1 घंटा उसको फर्मेंट होने देना है। आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस कितना स्लो है और इतना स्मूथली आपका डो फर्मेंट हो जाएगा, इतना मस्त बनेगा, एयर आ जाएगा उसमें। तब तक के लिए हम हमारे जो मोल्ड्स हैं वो रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे केक मोल्ड्स लिए हैं जिसमें मैंने ऑयल लगा के बटर पेपर डाल दिया है। उसके बाद हमारा डो फर्मेंट हो गया था। हम सारे डो को डिवाइड कर देंगे स्क्रेपर की मदद से और सभी को हम इक्वल पोर्शन में बांट लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपका जो वर्किंग टेबल है उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल या फिर हल्का सा डस्ट करना है फ्लावर। इससे क्या होगा, आपका जो डो है आप जब राउंड शेप देंगे उससे आपका डो स्टिकी नहीं होगा और सरफेस पे चिपकेगा नहीं। ध्यान देना आपको ज़्यादा आटा या फिर ज़्यादा ऑयल भी डस्ट नहीं करना है उसमें। मेरे यहाँ पे शेप्स बन गए हैं, राउंड हो गए और हमारा ये पाव हमने सेट करके रख दिए और हमारे 3 बन बचे थे तो उसको हम दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करके सेट होने रख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से उसको एक बार फर्मेंट होने देना है आधे घंटे के लिए या फिर 15-20 मिनट्स का राउंड, जब तक आपका ये पाव का साइज़ जो है वो डबल नहीं हो जाता। मेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डबल हो गया था बिकॉज मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पाव जो है वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, मिल्क वॉश देना है बेक करने से पहले। आपको पहले ओवन को प्री हीट करना है 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के अराउंड। उसके बाद आपको पाव को बेक होने देना है 20 मिनट्स के लिए, जब तक उसका गोल्डन कलर ऊपर से चेंज नहीं हो जाता। और फिर क्या, आपका पाव बिल्कुल इजीली मोल्ड से निकल के आ जाएगा। 5-10 मिनट के लिए उसको आप रख दीजिएगा एंड उसको आप फ्लिप करेंगे तो आपका जो पाव है वो इजीली मोल्ड से निकल के आ जाएगा और हमारा ये सॉफ्ट स्पॉन्जी पाव बन के रेडी है।